इसके बाद दो और बातों का हुक्म है। फरमाया ये यहूद का तरीका है कि वो अल्फाज की ऐसी बनावट और ऐसी वो उसमें हेर फेर करते हैं जिससे कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना चाहते हैं। देखो तुम नेक नियति से भी वो अल्फाज इस्तेमाल ना करो, रायना की बजाय तुम उनजुरना कहा करो, यानी वो अल्फाज या वो तर्ज गुफ्तगू जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का जरा सा भी पहलू निकल सकता हो उससे भी हट जाओ, इसलिए कि हाँ नफस गुम करदा नहीं आयत जुनैदो बायज़ी नहीं जा, ये वो मकाम है कि जहां पे किसी किस्म की कोई रो रियायत नहीं की जा सकती। दूसरी बात ये फरमाई कि देखो शिर्क के करीब ना जाना। दो बातों में पुख्तगी, एक आज जनाब से श्रम के अदब का हुक्म दे दिया और दूसरा ये कि तौहीद में भी पुख्ता रहने का हुक्म दे दिया और फरमाया कि शिर्क नाकाबिल माफी गुनाह है। यह हम तय है कि हम शिर्क हरगिज हरगिज माफ नहीं करेंगे। और आगे चल के फरमाया कि देखो अपने पाक बाज होने के दावे ना किया करो, ये योर होलीनेस बनने की कोशिश, हजरत साहब और साहेब जुबो दस्तार बनने की कोशिश ना किया करो, ये अल्लाह की शान है और अल्लाह का फैसला है, जिसको वो चाहे तस्किया अता फरमा दे, जिसको चाहे वो मुजक्का और मुतहर बना दे, तुम्हें दावे करने का कोई हक नहीं पहुंचता।